सीधे लाइव चलते हैं और वहां की क्या तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मोहम्मद मोइन, क्या तस्वीरें मतदान की वहां से? अभी देखिए, आपको बता दें कि अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। शुरुआती 2 घंटे की बात करें तो 10% वोटिंग हो चुकी है और ज्यादातर पोलिंग सेंटर पर इसी तरीके से वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं टांडा विधानसभा क्षेत्र के सूरापुर सेंटर पर। 4 पोलिंग बूथ हैं और हर एक पोलिंग बूथ पर आपको इसी तरीके से मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। जो लोकतंत्र में वोटर्स की जिम्मेदारी है, जो वोटर्स का कर्तव्य है, उसको यहाँ के लोग निभा रहे हैं। और ठीक पीछे देखिए, महिलाओं की भी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी जो आधी आबादी है वो आधी आबादी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रही है। सुरक्षा के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं और आपको बता दें कि अंबेडकर नगर पिछली बार यानी साल 2017 में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था और जिस तरीके से आज वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है उससे ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बार भी अंबेडकर नगर फर्स्ट डिवीजन पास होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी यज्ञेश त्रिपाठी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, जो वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्या लगता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रहे हैं? देखिए, ये प्रशासन ने भी काफ़ी इसमें पहल की कि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अपनी संख्या बढ़ाएं और अब देखने पे लग रहा है लंबी लाइन सुबह से ही लगी हुई है। पहले मतदाता देर से आते थे लेकिन अब की बार देखने को मिला है कि 7 बजे ही लोग लंबी लाइनें लग गई थी और लोग काफ़ी संख्या में बिल्कुल जो तमाम लोग लगे हुए यहाँ पर जैसे लेते हैं। एक छोटी बच्ची है, लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर है। आप पहली बार वोट डाल रही हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? सोनल कन्नौजिया नाम है सर। ये बताइए, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सर, जो अच्छा काम करेगा, मतलब हमारे हित में काम करेंगे, उनको हम वोट देंगे। आप बताइए, आप महिला हैं तो कुछ महिलाओं के मुद्दे होंगे जिन पर आप वोट करेंगे? हाँ। क्या मुद्दे हैं? जो अच्छा काम करेंगे।